मंदिर का अपमान करना, ये जिन्होंने ठान के रखी है, ये कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, द्रौपदी मुर्मू जी का रामलला के दर्शन करने के लिए जाना, मंदिर में पूजा अर्चना करना, एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करके आई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने घोषणा की कि हम अब राम मंदिर को गंगा जल से धोकर के राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मुझे बताइए, ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये आदिवासी समाज का अपमान है कि नहीं है? ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? मेरे देश की आदिवासी की बेटी, मेरे देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने जाए, मंदिर में पूजा अर्चना करे और दूसरे दिन कांग्रेस घोषणा करे कि अब हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रहने का हक है क्या? मैं ओडिशा के लोगों से पूछूंगा, क्या ऐसी कांग्रेस और उसके साथियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं चाहता हूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने वाली कांग्रेस को, चाहे असेंबली की सीट हो या चाहे लोकसभा की, क्या है, सभी जमानत जब्त होनी चाहिए। इसके बिना ये सुधरेंगे नहीं। और साथियों, आपको कांग्रेस से लगातार सावधान रहना है। कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहती है और छीन करके अपनी वोट बैंक। लेकिन आज जब संविधान के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी बेटी बैठी है और पिछड़े परिवार में पैदा हुआ ये प्रधान सेवक आपका बेटा बैठा है, किसी की ताकत नहीं है संविधान की पीठ में छुरा भोंक सके, किसी की ताकत नहीं है संविधान को हाथ लगा सके। एससी एसटी ओबीसी का हक मोदी किसी को भी उसे छीनने नहीं देगा, ये मोदी की गारंटी है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।